कलमकारी में आज भी मानव आकृतियों के साथ साथ पुराणिक और रामायण के प्रसंगों को अलग अलग तरीके से कलाकार अभिव्यक्त करते हैं। कलाकृतियों के किनारों को फूल पत्तियों के आकर्षक डिजाइन से सजाया और सवारा जाता है। इस कला में आमतौर पर पूरा परिवार सिमट कर रहता है और पूरा परिवार अपनी सहभागिता निभाता है। परिवार में जो मुखिया होते हैं इस कलाकारियों में गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि वो करते करते इतने सिद्धहस्त हो जाते हैं और वो इसे जब करते हैं तो उसका डिजाइन, उसकी रूपरेखा क्या होगी उसको वो सजा देते हैं, उसकी लकीरें, उसकी सजावट प्राथमिक काम वो कर देते हैं। उसके बाद घर के दूसरे लोग उसमें रंग भरने का काम, उन्हें सजाने का काम करते हैं। और ये रंग जो होते हैं वो वानस्पतिक या फिर कहेंगे कि नेचुरल डाई होते हैं। वातावरण में जो जितनी भी वनस्पति है, जैसे हरड़ है, हल्दी है, अनार के छिलके हैं और इसी तरीके की चीजें हैं, दूध है, इन सब का उपयोग करके इस कला में सम्मिलित किया जाता है। और इनका फायदा ये होता है कि ये हमारे शरीर पे किसी तरीके का नकारात्मक असर नहीं करते हैं, हमारे को कोई खतरा नहीं होता, हमारे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता।